लिविंग फूड ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। आज है चूल्हा छूने की रस्म। चूल्हा छूने के बाद मैं खाना पीना बना सकती हूँ। वैसे कुछ चीज़ें जो थी वहाँ की हो चुकी थी। और मेरा किचन देखिए कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बताइएगा सब। यही है कि रोज़ पेटल्स बहुत महंगे मिल रहे हैं, सब भी नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, लेकिन ठीक है, इतना हो गया अरेंजमेंट सही। अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले चूल्हा पूजन करने। चूल्हा पूजन करने के बाद खीर बनेगा, मतलब खीर तो जानते ही होंगे, बखीर गुड़ वाला जो होता है उसको बखीर बोलते हैं। फिर उसके बाद वो गाजर का हलवा बनाऊंगी मैं, और बाकी का बन चुका है, बस चावल बनाना है, दाल वाली पूरी बनती है। तो आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी, माइक नहीं लगाया है तो थोड़ा सा कट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पूजा। चूल्हा पूजन जो है वो हो गया है। अच्छा, मैं कुछ भी रस्म दिखा रही हूँ ना तो मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आपके यहाँ ऐसे होता है क्या, हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो देखिए क्या है ना, देखने वाले जगह जगह से, मतलब हर जगह से मुझे देखते हैं लोग, हर एक सिटी से। तो सबके यहाँ का अलग अलग कल्चर होता है, तो जो रस्में होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो हम क्यों कंपेयर करें कहीं और से कि हमारा ये ऐसे होता है, आपका ऐसे क्यों हो रहा है। सबका अलग अलग है ना, तो उसको आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले गैस चूल्हा ऑन करना होता है, उसके बाद फिर कढ़ाई चढ़ाया मैंने, और एक तरफ दाल वाली पूड़ी भी बन गई और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। रेसिपी तो मैं कई बार आप सभी के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, शायद ये बात मैंने आगे वीडियो में बोला है। अभी मैं एडिट कर रही हूँ और एडिट करने में आज बहुत लेट हो गया, क्योंकि पता है मैं कंटिन्यू 3 दिन से वीडियो एडिट कर रही हूँ। आप सब इतना मतलब कमेंट्स सबके आ रहे हैं ना, तो फिर ये हो रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी चीज़ें हैं चलो जल्दी से दिखा देते हैं। इसके चक्कर में ना बहुत टाइम मुझे लग जा रहा है एडिट करने में वीडियो, और कंटिन्यू अगर आप मोबाइल की तरफ देखते हैं तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे आई में भी पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी इतना टाइम हो गया। कई लोग के कमेंट्स आए कि आपने अभी तक वीडियो नहीं अपलोड किया, तो मैंने जल्दी से फिर मोबाइल उठाया और लग गई वीडियो एडिट करने में। अब देखती हूँ कब तक होता है, कोशिश है कि जल्द से जल्द वीडियो एडिट हो जाए और मैं अपलोड कर सकूँ। मैं बना ही रही थी तब तक ये भी आ गए थे किचन में, फिर फ़ोन आ गया तो फिर चले गए। हमें वो चाहिए सारा। गाजर हो चुका है, घी छोड़ने लगा है, मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क, देख रही है वो सब कुछ, और इसको पकने देंगे अब थोड़ी देर। मेरी आवाज़ जा रही होगी आप सबको, जितना चिल्लाना पड़ता है। और एक तरफ ये वो भी करा रही है, इसको दिखा थोड़ी। आज आपके हाथों से पापा, भैया, मम्मी, सारे लोग अच्छे स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मम्मी आना चाह रही थी, उनका बहुत मन था, कल हमने बात किया था, सच में उनका बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन वो परसों का गई हुई है, सीढ़ी से चढ़ी है, उसके बाद वो बिस्तर से उठी ही नहीं है। मम्मी कितनी भी ठंडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उठे ना, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं उठी है। उनका मन हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन लिफ्ट लगा होता, वो इतना चढ़ के आना और जाना, खड़े रहना, यहाँ से पूरा बता रहे थे कि यहाँ से पूरा एकदम पूरा नीचे तक पूरा एकदम दर्द है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि उनके नी में प्रॉब्लम है और ऊपर से इतना ऊपर चढ़ के आना जाना वो और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम कर दिया। तो उनका मन तो बहुत ज़्यादा था, मुझे बात कर रहे थे मतलब तो मुझे भी साफ दिख रहा था कि मम्मी का मन है, लेकिन सिर्फ वो सीढ़ी चढ़ने की वजह से नहीं आई। तो पापा भाया बोलने की आदत हो गई ना, तो पापा भैया बोलो भैया और पापा भैया, हाँ वो लोग आएंगे। और ये तो है ही सही है, मम्मी पापा खिलाऊंगी तो मुझे पैसे भी लेंगे या फिर कुछ सामान मिलेगा, क्या पता वो पापा के थ्रू दें। नहीं तो पापा मम्मी का अलग अलग होगा, नहीं क्या पता पापा का अलग हो उनका अलग हो। लेकिन देखो पापा का फ़ोन भी आ गया, पापा का फ़ोन भी आ गया। चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे बाद में, बाय। बड़ी बिंदी लगाइए, लगा लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग बताइए बड़ी बिंदी कितनी बड़ी बिंदी है? बहुत बड़ा। ये लोग कितना बड़ा है, इससे बड़ा अगर होता तब तो कहना ही बेकार है। आज मैंने लगा लिया इनके कहने पे और आप लोग के कहने पे, नहीं तो फिर मैं कल से फिर मेरा कभी कभी लगाऊंगी, ऐसा नहीं है, कभी कभी ओकेशन पे। और ये मेरी मेहंदी देखिए चढ़ गई, मैंने कहा नहीं मेरी मेहंदी आपकी तो उतर गई। मेरा मैंने जैसे देखा कि मेरा अभी निकल रहा है, मैंने फिर से लगा लिया। मैंने कहा नहीं अभी तो ये वाला बचा ही है तो लगा लेती हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। क्यों ये आईफोन ना सच में बहुत बेकार मोबाइल, बस ले लिया मैंने, अब ले करके बहुत पछता रही हूँ। मुझे आगे से मैं आईफोन नहीं लूँगी कभी भी लाइफ में, मेरे पास एक आईफोन हो गया ना। मेरा हाथ दर्द कर रहा है बस, इतने में होने लगा दर्द। मैं कैसे इतना देर तक करती हूँ, ये ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है, देख लीजिए। ओह नो, इसमें तो रोज़ पेटल्स चले गए हैं, ये कहाँ से आ गया, इसमें तो हमने नहीं डाला था। ये दाल वाली पूड़ी है और एक तरफ हलवा तो बन ही रहा है और एक तरफ बखीर। और सादी पूड़ी बनानी है, बस चावल बनाना है। तो जब पापा लोग आने वाले रहेंगे तो फिर तुरंत बन जाएगा, है ना। वो लोग आने वाले रहेंगे ऐसे तो बन जाएंगे। थोड़ी देर में इसको अच्छे से पकने दूंगी और उसके बाद जब उतारना रहेगा उसके 5 मिनट पहले मैं इसमें बर्फ़ी, खोए वाली बर्फ़ी ऐड करूँगी, इलायची ऐड करूँगी, या थोड़ी सी नहीं बर्फ़ी है तो चीनी नहीं ऐड करूँगी, और इसमें लास्ट में थोड़ा सा गुड़। फिर हमारा बन जाएगा। ऐसे तो ये मीठा हो जाता है बर्फ़ी के बाद, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा इसमें चीनी होना चाहिए तो मैं ज़रा सा ऐड कर दूँगी। हलवा बहुत अच्छा बनता है, बनाती हूँ देखती हूँ। सबके आगे अपना अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन आज अपने हाथ का हलवा सबको खिलाती हूँ, देखती हूँ पसंद आता है। ये है इलायची पाउडर, तो मैं अब इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दूंगी, इसी से तो टेस्ट आता है। और ड्राई फ्रूट्स है, कट करने से अच्छा है कि थोड़ा सा इसको बहुत ज़रा सा चला दीजिए, बस ऐसे ऐसे हो गया। ज़्यादा सूख जाएगा ना तो भी नहीं अच्छा लगेगा। चीनी कहाँ गया है? अभी सब कुछ डन हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट में इसको रखूंगी, उसके बाद हो जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आप सभी से बाद में, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है, कर लूँ, और उसके बाद फिर सब लोग आ जाएंगे तो फिर मैं मिलती हूँ। एक तो अरे एक तो पहन के आई थी साड़ी में, देखो या तो कंबल में देख, हाँ गिरा तो साड़ी में कैसे गिर गया, पहना हुआ था ना। तो कैरी मैं खुआती बहुत हूँ अभी तो, अच्छा है यहाँ पे गिरा है, छोड़ने गई थी उस टाइम हम लोग नहीं गिरता, बताओ ये तो कहाँ मिलता फिर, तब नहीं मिल पाता। ये तो कहो घर में गिरा है। मैं गोल्ड कैरी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, टाइट नहीं। दुकान में मेरे पेन होने लग रहा है, ये ना मुझे लग रहा है कि या तो बाल में फंसा है तो फिर घूंघट ऐसे कर रही थी तब फंसा है, बच गया बाहर में गिरा, नहीं तो फिर भगवान आज के दिन हो गया जाता कांड। नहीं ऐसा बात नहीं, घर में ही रहेगा और कहाँ जाएगा, घर में भी कुछ चीजें रहती। सोना गायब होके मिलना अच्छा होता है। अच्छा वो मैं वो तो देख रही थी, इसमें ऐसे करके देख रही थी मैं, अपना बिंदी मैंने बड़ा लगाया तो ऐसे करके देख रही थी, देख रही हूँ कान में कहाँ चला गया। अच्छा वो मिल गया, थैंक गॉड। आप लोग बोल रहे थे गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए, ये आपका कितने लोग पूछ रहे थे आपका गोल्ड का है, तो भैया क्या मतलब गोल्ड का नहीं होगा क्या? नहीं तो, सारा गोल्ड का है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं कलेक्शन दिखा करके उसके बाद मैं नहीं रखती हूँ भैया ज्वेलरी अपने पास, क्योंकि मुझे पता है ना, बिल्कुल पता है। तो ये अपना ले जाएंगे लॉकर में, हमारे यहाँ ज्वेलरी सारा लॉकर में रखते हैं, घर पे नहीं रखते, जब ज़रूरत होती है आ जाता है। तो मैं सब दे दूँगी, बस छोटा वाला मंगलसूत्र रखूँगी और ये छोटी वाली दो रिंग, ये मेरी डायमंड इसमें पहना है ऐसे तो इसमें पहना जाता है, थोड़ा टाइट के लिए पहन लो। हाँ ढीला है ना, इसलिए मैंने इसमें पहन लिया है। मैं देखो जरा, तो सारी ज्वेलरी लॉकर में जाएगी, उससे पहले मैं बना दूंगी ज्वेलरी कलेक्शन का वीडियो और आप सभी के साथ मैं शेयर कर दूंगी। आप सबने इतने सारे कमेंट्स किए। पापा आ गए, पापा लोग आ गए, मेरे पापा लोग आए। मेरे अब 4 पापा है, 3 बड़े पापा, 1 पापा। माशू की तबीयत अब कैसी है? कल से तो बेटर है, कल से बहुत बेटर है, कल से खांसी भी थोड़ा ठीक है। ठीक है, अदरक खा रहे हो ना? तो बात नहीं करती, ये बड़ी वाली टैबलेट पनीर डाल दो। मैंने तो बताया है कि पापा और भैया लोग आ गए थे, बस एक भैया नहीं आए थे, वो थे नहीं, आउट ऑफ सिटी थे, और मम्मी नहीं आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ही रहती है तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत अपनापन सा लगता है। मैं इनसे बोल भी रही थी, बट आप सबको अब मैं सभी अब भी बता दूंगी तो बाद में क्या रहेगा, आप सबको मम्मी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। और खाना निकाल दिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ ले करके, और मेरी सिस्टर कह रही थोड़ा घूंघट आगे कर लो, तो फिर मैं ले के गई और थोड़ा सा शूट किया। किसी ने तो किया था, मुझे याद यार, माने शायद कर रही थी या फिर कौन कर रही, छोटी वाली सिस्टर भी मेरी कर रही थी, और सब लोगों ने बोला कि यही नीचे ही खा लेते हैं हम, क्योंकि पता है आप सबको अभी मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है और वो वाला टेबल छोटा पड़ जाता, तो पापा ने कहा सबसे अच्छा जगह यही है, तो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं हम, और ज़मीन पर ही रहेंगे और ज़मीन पर ही खाएँगे। इस क्लिप को मैं ऐड नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे कसम मिल गया था, इसलिए मुझे इस क्लिप को ऐड करना पड़ा। अब जिसको भी जो कमेंट करना है कर सकता है। हम डालेंगे नहीं ऊपर में, अभी दूर हम लोग देखेंगे, सब लोग खा लिए उसके बाद मैं खा रही हूँ, खा लिए लोग वही से तो एक चम्मच खा ले दो, क्योंकि पेट भर गया सबका, इतना अच्छा टेस्टी बनाई थी। मुझे लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल पहले सही तो कर लीजिए। टमाटो दीदी, एक चम्मच खाने में क्या होगा, पेट हमारा फूल हो जाएगा। हाँ गोरखपुर मंदिर हम गए, उसी के आगे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, उसी के आगे हम गए, पेट्रोल पंप के आगे सामने हमारे का घर, वहाँ गए करीब 2-3 साल हुआ गए थे। हम आएंगे तो निकल जाएंगे। मम्मी से क्या बात कर रही है, मम्मी से बात करो, तुम्हारी माँ है तो उससे बात करो। बाय बाय। पीछे से कौन सुनता है? बोलने लगे ठीक है ठीक है। चलो चलो ऐसे खुश रहो। पापा दिए हैं मान्या का। आओ मुझे भी दिए हैं। मुझे भी दिए हैं। मैं तो दे चुके हैं ना, अब कितनी बार लोगी? ये बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्ची तुम्हें बड़ा लिफाफा मिला है, कहाँ है? कौन? सुकी? हाँ कहाँ है यार? सुकी? शक्ति मेरा खाली अंकल। अरे नहीं 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 दिए ना पापा दिए हैं। अच्छा भूल गया ना है अभी अभी नहीं, अभी लास्ट में ले जाएंगे। अभी लास्ट में ले जाएंगे, इनको लास्ट में लेंगे। वाला कपड़ा बड़ा उधर रख दे। वाशरूम में पीगी मैंने देखा, लेके आना दिखाओगे कितना बैठा नहीं ऐसे क्या दिखा दो जी हम लोग को कितना रखते हो। तो नेपाल को खा दो जल्दी थोड़ा कर दो, हम लोग 4 बज चुका है। इतनी तो पापा और भैया लोग गए। बस एक चीज़ का मुझे वो हो रहा है कि मम्मी नहीं आ पाई, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने उनको जो जो बनाया था मैंने भिजवा दिया। अब मम्मी का एक बात की गई, क्या कहना चाहती है? मम्मी से समझो, मम्मी से समझो। अच्छा ठीक है, मम्मी से समझ लूँगी। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग अभी स्टार्ट करना है तो वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना बुल्ली।